फाइनली ग्लोबल सिंगर एड शीरन की सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ डांस करने की तमन्ना हुई पूरी। SRK के साथ एड शीरन उनका आइकॉनिक पोज करते आए नजर। एड शीरन और किंग खान के इस पोज को फारा खान ने कैसे दिया अपना ट्विस्ट। एड शीरन इन दिनों इंडिया में है और बॉलीवुड के प्रोमिनेंट फिगर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें SRK का नाम भी शामिल हो गया है। Well, yes, Ed Sheeran recently शाहरुख खान से मिले और इसी के साथ उनकी वो विश भी पूरी हो गई जिसका जिक्र उन्होंने एक्सक्लूसिवली किया था ऑन Zoom. An Indian actor that you would like to feature in your music video? I guess Shahrukh's like the biggest, right? So yes. probably Shahrukh is the best. Yeah. दरअसल एड शीरन SRK के साथ स्टेप्स मैच करना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं अब पूरी हो गई है और जिसका नजारा आपके सामने है। इस वीडियो में इंटरनेशनल सिंगर एड शीरन को खुद बॉलीवुड के पठान अपना सिग्नेचर आर्म ओपन पोज सिखाते देखे जा सकते हैं, जो उनके चार्म और करिश्मा का सिनोनिमस बन चुका है, विच द सिंगर अडेप्टली पिक्स अप ऑन। एड शीरन ने इस वीडियो को पोस्ट किया विद कैप्शन, दिस इज द शेप ऑफ अस स्प्रेडिंग लव टुगेदर। वहीं दूसरी तरफ कोरियोग्राफर फिल्म मेकर फारा खान ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया और बताया कैसे SRK और एड को इस सीन में उन्होंने किया है डायरेक्ट। फारा ने SRK और एड के साथ अपनी ग्लिम्सेस शो की और अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, व्हेन यू गेट टू डायरेक्ट एड शीरन एंड शाहरुख खान यू गेट शेर खान ऑफ कोर्स। वैसे फारा खान ने म्यूजिकल माएस्ट्रो एड शीरन के साथ अपना एक और कैंडिड मोमेंट शेयर किया, जिसमे दोनों सोफा पर चिल करते हुए स्पॉट हुए हैं। Farah could not contain her excitement as she captioned the post, "Relaxed mode with the loveliest guy ever." Well, Farah ke is post ko netizen se acha response mila aur unhone comment section mein apni excitement bhi zahir ki. Bata de Ed Sheeran in dino Asia aur Europe ke tour par nikle hain aur 16 March ko Mumbai ke Mahalakshmi Racecourse ground mein unka highly anticipated concert hai. Marking his second performance in India after his last appearance in 2017. इससे पहले जब एड शीरन इंडिया आए थे तो बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उन्हें पार्टी करते देख कई मीम्स भी वायरल हुए थे और लोगों ने उनका मजाक बनाया था। बट लुक्स लाइक एड शीरन इस बार काफी कंफर्टेबल है इन इंडिया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की डॉटर रहा का फर्स्ट एवर गिफ्ट क्या था? आलिया के लिए क्यों रहा को मिला उनका पहला तोहफा है बेहद पसंद। रणबीर और अपनी प्रिटी प्रिंसेस रहा को मिले उसके फर्स्ट गिफ्ट की सारी डिटेल्स मॉमी आलिया भट्ट ने की है शेयर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की क्यूट डॉटर राहब हर वक्त लाइमलाइट में छाई रहती हैं। इनफैक्ट तैमूर और जय की तरह राहब भी हर किसी की फेवरेट स्टार किड है, जिनके बारे में हर छोटी डिटेल्स फैन को एक्साइट कर देती है। ऐसे में आलिया भट्ट ने रिसेंटली राहा को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रेवल्यूशन किया। वेल यस, आलिया ने बताया कैसे राहा को मिला उनका पहला गिफ्ट आलिया का मोस्ट फेवरेट गिफ्ट है। दरअसल आलिया से उनके एक रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया अबाउट हर फेवरेट पिक फॉर हर डॉटर राहा फ्रॉम अ पॉपुलर ब्रांड्स कलेक्शन, जिसकी खुद आलिया ब्रांड एम्बेसडर है। रिकॉल करते हुए आलिया ने रिवील किया, जब वो न्यूयॉर्क में अपने ब्रांड के लिए एक फोटोशूट कर रही थी तो टीम ने उन्हें एक लवली ड्रेस गिफ्ट की थी राहा के लिए। आलिया ने कहा, दो इट वॉज टू बिग फॉर हर दैट टाइम, लेकिन ये राहा को मिला वो पहला गिफ्ट है जो मुझे काफी पसंद है। गिविंग डिटेल्स अबाउट द ड्रेस, आलिया ने कहा दैट इट वॉज ब्लू विद व्हाइट कॉलर्स। वहीं आलिया की सिस्टर पूजा भट्ट ने भी रणबीर और आलिया की लिटिल मंचकिन को लेकर एक बड़ी बात कही है। अपनी नीस पर प्यार लुटाते हुए और उनकी तारीफ करते हुए पूजा ने कहा, जल्दी वो समय आएगा जब राहा सबको एडवाइस देंगी। शी सेड, सो आई एम वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन शी विल बी एबल टू एक्चुअली वोकलाइज हर एडवाइस, राइट नाउ इट्स थ्रू लुक। पूजा ने आगे नई जनरेशन पर बात की और कहा, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और स्पेशली उनकी फैमिली में हर नई जनरेशन बेटर होती जा रही है।
Happy birthday! लापता लेडीज जो इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है हमारे लिए आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए, मेरे हिसाब से लगान से लेके आज तक कुछ हमारी प्रोडक्शन हाउस 22-23 साल हो चुके हैं हमारे प्रोडक्शन हाउस को, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, और मुझे लगता है कि इन 22-23 सालों में किरण ने जो फिल्म बनाई है लापता लेडीज अपनी टीम के साथ, इट्स वन ऑफ द फिल्म दैट आमिर खान प्रोडक्शन इज मोस्ट प्राउड ऑफ हैव इन आवर प्रोडक्शन हाउस। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, such a fundamental film on, you know, human nature, on emotions, on family, aur usme har positive cheez batayi hai, so thank you so much Kiran, thank you, such a wonderful film, and aaj meri birthday, aaj meri theater mein film chal rahi hai, aap log sab jaye film dekhe theater mein, mujhe agar gift dena hai to ek ticket le lijiye, that's my biggest gift. Thank you so much. बहुत बहुत फ्यूचर में और ये ऐसे और जिस तरह से इस फिल्म को प्यार मिला है, ऑडियंस का प्यार मिला है, जो जो रिव्यूज आपने दिए हैं, जो हर इंसान ने फिल्म देख के एक दिल से तारीफ निकली है, उससे हमें इतनी खुशी होती है। सो ऑन दिस वेरी स्पेशल डे आई वांट टू थैंक माय ऑडियंस, थैंक टू मीडिया, थैंक एवरीवन फॉर सो मच लव, थैंक यू सो मच। इधर 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 लो नापर में नीचे, क्या बात सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए फिल्म योद्धा क्यों है सबसे ज्यादा स्पेशल? आखिर क्या है करण जौहर का कनेक्शन जिसकी वजह से सिद्धार्थ इस फिल्म को मानते हैं सुपर स्पेशल? सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल खोल कर की बात अबाउट इस फिल्म एंड जर्नी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत की थी और उनके लिए करण और धर्मा प्रोडक्शंस हमेशा से स्पेशल रहे हैं, और सिद ने कहा कैसे वो धर्मा के साथ फिर से वापस आके कितने खुश हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू समराइज एनीवनस करियर स्पेशली एज एन एक्टर, मैं बहुत खुश हूँ कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर वॉज अ धर्मा प्रोडक्शन एंड टूडे आफ्टर सो मेनी ईयर्स योद्धा इज बैक विद धर्मा, इट्स माई होम ग्राउंड इन दैट सेंस, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सो दैट मेक्स इट अ वेरी स्पेशल सर्कल फॉर मी टू come back to promote a film or be active in a film. आगे सिड ने ये भी कहा कैसे धर्मा प्रोडक्शन को उनके रोमांटिक फिल्म्स के लिए जाना जाता है एंड ही इज हैप्पी क्योंकि फिल्म्स लाइक शेरशाह और योद्धा इस प्रोडक्शन हाउस को हेल्प कर रही हैं। धर्मा इज क्विंटेसेंशियली नोन फॉर रोमांटिक फिल्म्स एंड आई एम ब्रिंगिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ एक्शन एंड थ्रिल टू इट, वेदर इट्स विद शेरशाह और योद्धा, होपफुली वी विल मेक मेनी मोर फिल्म्स। एवरी एक्टर और अ क्रिएटिव पर्सन टेक्स अ वाइल टू बी इन देयर जोन, आई पर्सनली हैव एंजॉयड कैरेक्टर्स व्हिच हैव सिचुएशंस और थ्रिल्स और सम एक्शन जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट लाइक योद्धा। अपनी फिल्म योद्धा के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पर आगे बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा ये कैरेक्टर एक ऐसे सिचुएशन में फंसा है, मेरे साथ असल जिंदगी में तो ये कभी नहीं होगा और मैंने पिक्चरों में भी नहीं देखा है इतना कि हाईजैक के बीच में ही हैज टू सॉल्व सो मेनी थिंग्स दैट हैपन विद इन दैट एंड सेव पीपल एट द सेम टाइम। आई वुड समराइज माई जर्नी टू बी वेरी एक्साइटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 15। सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपनी इस एक्शन फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, खास करके शेरशाह और फिर रोहित शेट्टी की वेब सीरीज को मिले रिस्पांस के बाद सिड को एक्शन जॉनर ज्यादा पसंद आ रहा है।
खुशी कपूर के हाथ लगे दो बड़े प्रोजेक्ट्स। दियाची से डेब्यू करने के बाद खुशी के करियर ने पकड़ी रफ्तार और उन्हें एक के बाद एक दो फिल्में हुई ऑफर। खुशी इन फिल्म्स में किन स्टार किड्स के ऑपोजिट आएंगी नजर? क्या है खुशी कपूर के अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स? जानवी कपूर की सिस्टर खुशी कपूर ने साल 2023 में दी आर्ची से अपना डेब्यू किया है। इस फिल्म में कई स्टार किड्स के साथ नजर आने वाली खुशी बेटी कूपर के रोल में लोगों को काफी इम्प्रेसिव लगी थी और जिसके बाद से ही खुशी के बिग स्क्रीन डेब्यू पर फैंस की नजरें जमी हैं, जो लगता है कुछ समय में पूरा होने वाला है, क्योंकि खुशी कपूर की किटी में आए हैं दो बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। यस, यू हर्ड इट राइट, खुशी कपूर को दो बॉलीवुड फिल्म्स मिली हैं, जिसमें से एक में खुशी सैफ के सन इब्राहिम अली खान के साथ करेंगी स्क्रीन स्पेस शेयर, तो खुशी की दूसरी फिल्म हो सकती है आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ। रिपोर्टेडली खुशी कपूर ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की अपकमिंग रोमकॉम नादानियां साइन की है, को स्टारिंग इब्राहिम अली खान। ऑल्दो नॉट मेनी डिटेल्स ऑफ द फिल्म हैव बीन रिवील्ड, लेकिन ये फिल्म एक डिलाइटफुल ट्रीट होने का वादा करती है ऑडियंस के लिए, और इब्राहिम के साथ खुशी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर भी एंटिसिपेशन है हाई। वहीं जो दूसरा प्रोजेक्ट खुशी के हाथ आया है वो है तमिल रोमांटिक ड्रामा लव टुडे का हिंदी रीमेक। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और अब इसके हिंदी रीमेक में खुशी के साथ जुनैद खान को कास्ट करने की खबरें हैं, जो फिल्म महाराजा से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल समर से शुरू होने की उम्मीद है। खुशी से जुड़े क्लोज सोर्स का कहना है, आफ्टर मेकिंग वेव्स विद हर डेब्यू, खुशी वांट्स टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ टैलेंट टू वॉच इन द इंडस्ट्री। हर प्रेजेंस ऑन स्क्रीन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मैग्नेटिक इन दीज फिल्म्स एंड शी विल श्योरली बी हैविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन व्यूअर्स एंड क्रिटिक्स अलाइक। शी विल बी टेकिंग द इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म वेरी सून। यानी साफ है, खुशी ने अपने बिग स्क्रीन डेब्यू से तूफान लाने की पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल तो बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी स्पॉटलाइट में रहती हैं। अक्सर वेदांग रैना के साथ उनके लिंकअप के किस्से सुनने को मिलते हैं, पर अब प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी ये खबर शोरली खुशी के फैंस के लिए डबल खुशी लेकर आई है। किरण राव की लापता लेडीज चर्चा में बनी हुई है। कई सेलेब्स ने फिल्म की तारीफ की है। सलमान खान ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया, लेकिन उनसे हो गई एक भूल जिसकी वजह से सलमान खान हो गए ट्रोल। दरअसल सलमान ने अपने एक्स अकाउंट से जो ट्वीट शेयर किया था उसमें उन्होंने गलती से लापता लेडीज को किरण राव की डेब्यू फिल्म बता डाली, जबकि किरण राव ने साल 2010 में धोबी घाट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, सलमान खान ट्वीटेड हिज रिव्यू ऑफ द मूवी अगेन। द ट्वीट रेड, जस्ट सॉ किरण राव लापता लेडीज, वाह वाह Kiran, I really enjoyed it and so did my father. Superb job. Kab kaam karogi mere saath? This time, of course, without the mistake. पूनम पांडे हाल ही में ट्रोल हुई थी फॉर हर फेक डेथ न्यूज, और अब इस कंट्रोवर्सी को भूलकर पूनम मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं, और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक हॉट सिजलिंग वीडियो को शेयर किया है जिसे फैंस आर एब्सोल्युटली लविंग इट। अपने इस वीडियो को पूनम ने कैप्शन दिया, माई ऑल टाइम मूड। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये न्यूज किसी से नहीं छिपी। हाल ही में इन दोनों को एक सेट पर साथ स्पॉट किया गया, एंड एज यूजुअल दे बोथ वर लुकिंग क्यूट एज अ कपल। एंड नाउ फैंस आर गेसिंग इनकी मुलाकात क्यों हुई सेट पर, क्या किसी खास प्रोजेक्ट पर ये कर रहे हैं काम? एक्ट्रेस सारा अली खान ने फुल ऑन एंजॉय किया अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज को, और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस पर लिखा, इट वाज अ लॉट ऑफ फन, बड़ा मजा आया मुझे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सारा खाना था, जानवी और अनन्या के साथ डांस किया मैंने स्टेज पर, खुशी भी थी और क्या। फिर वापस आ गई प्रमोट करने दो फिल्में, यही चल रहा है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो को शेयर करते हुए एसआरके के साथ अपने कोलैबोरेशन के बारे में बताया। दरअसल बादशाह 18 मार्च को अपने थर्ड स्टूडियो एल्बम एक था राजा को रिलीज करने वाले हैं, और इस खास एल्बम में राजा यानी किंग की आवाज को खुद एसआरके ने डब किया है।
Mm-hmm.